अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो देख लीजिए, ये ईद के दिन का व्लॉग है जो कल शूट करी हूँ मैं। थोड़ा बहुत ये है मेरे ईद का ड्रेस। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम यहाँ पे घूमने गए थे, ये भी आप ज़रूर देखना। माशाल्लाह आहिल देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी बज रहा है 2 बज रहा है, मतलब खाना भी ना खा के अभी मुझे मौका मिला के व्लॉग बनाने को। तो देख लीजिए आहिल, हाँ आहिल पहना है उसका चांदी का ब्रेसलेट, चांदी की ये सब पहना है। हालांकि मुझे व्लॉग में दिखाना है, वो एक व्लॉग बनाऊंगी मैं उसको जो जो मिला था। तो ये है आहिल। तो जी ये है मेरा ड्रेस। को ईद मुबारक मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कल आज व्लॉग कर रही हूँ ना, वो आज का नहीं था, कल का था। तो आज ईद मुबारक हो आपको। तो मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ, तो वहाँ पहने पे देख लीजिए, मैं आज बाल खुले छोड़ी हूँ और ढेर सारे फूल लगाई हूँ। तो आज मैं अलग तरह की भी चोटी डाली हूँ, खुद से ही डाली हूँ, देख लीजिए थोड़ा अलग तरीके से। ये मेरी पसंदीदा चोटी है। तो ऐसा है, कुछ भी सोने का कुछ भी नहीं पीनी हूँ, एक अंगूठी डाली हूँ। और मेहंदी, मेहंदी कैसी लगी है देख लीजिए, प्लीज कमेंट करके बताना। और मुझे ज्यादातर हरी चूड़ी पहनना पसंद है। तो मैं हम कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और मेरा बेटा देख लीजिए माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, वो भी कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ईद मुबारक बोल रहे हैं आप सभी को, ईद मुबारक। मैं सिर्फ आज सिर्फ खुरमा ही बनाई हूँ, देख लीजिए ऐसा करके देखे तो हम ब्लैक उठते हैं, ऐसा करके देखे तो हम व्हाइट लगते हैं, ऐसा करके देखे तो थोड़े कुछ अलग लगते हैं, है ना। तो आज खुशी का दिन है, आप सब खुशी खुशी से ईद मनाइए, अल्लाह ताला करे हाँ आप सभी को ये खुशियाँ हर साल नसीब करे अल्लाह ताला। तो मैं यही दुआ करती हूँ और आज नमाज में भी यही दुआ करी हूँ, हर एक लैन को हर एक खुशी दे जो मांगते हैं और जो उन्हें ज़रूरत है। तो अल्लाह करे आप सब हमेशा खुश रहे, आपका घर हमेशा भरा भरा हुआ रहे, अल्लाह के पास यही दुआ करेंगे। तो आहिल के पापा अभी तैयार नहीं हुए हैं, उनको मैं दिखाती हूँ बाद में। तो अभी जाएंगे कि कहाँ जाएंगे देखेंगे, मैं दर दिखाऊंगी मैं यहाँ का। तो आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, कुछ नज़ारा ऐसा है। तो देख लीजिए कितना अच्छा वेदर हुआ है यहाँ पे, जो फिर चारों तरफ बारिश तो नहीं हो रही है यहाँ पे, हालांकि मौसम बहुत अच्छा है। तो देख लीजिए, मुझे वहाँ पे पहाड़ देख लीजिए कितने अच्छे लगते हैं, दिख रहे हैं आपको पहाड़। तो अभी ये टाइम ऐसे टाइम है ना, ये बारिश की वजह से पूरे पहाड़ हरे भरे रहते हैं, तो मुझे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगता है, देख लीजिए कितना अच्छा है। तो ऐसे ही मेरी ईद जा रही है, हालांकि आहिल के पापा को क्या हुआ पता नहीं है, वो थोड़े बेजार में थे, क्यों पता नहीं है वो बेजार में थे, मतलब कोई भी फ़ोन नहीं करा है उनको, इसीलिए वो थोड़ा बेजार में थे। हालांकि मेरे घर से फ़ोन आया था उनको, बात करें ईद की विश करें, तो क्या पता नहीं उनके मन में क्या हो रहा था, लेकिन वो थोड़े आज बेजार में थे। तो मैं भी गुस्सा करके जगाई हूँ उनको, चलो हम घूम के आएंगे, दूसरों का टेंशन तुम आप क्यों ले रहे हो, ऐसा बोल के मैं गुस्सा करी तो उठ गए अभी। हम जाएंगे घूमने को, है कि नहीं, दूसरों का टेंशन क्यों लेंगे, हमारी लाइफ है हमारी ज़िंदगी है, तो एंजॉय करने का ईद के दिन, ईद के दिन गुमसुम होके ऐसा बोर करके नहीं बैठने का, है ना। तो ऐसा हुआ तो हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो मेरी मेहंदी कैसी लगी है माशाल्लाह वो बताना ज़रूर, देख लीजिए सामने का और ये पीछे का। तो ये हूँ मैं, ऐसी लाइफ जीना चाहिए, खुशहाल जीना चाहिए, कि हालांकि ये मेरे पास नहीं है वो मेरे पास नहीं है, ऐसा करके ये मुझे नहीं फ़ोन करे तो वो मुझे ऐसा बात नहीं करे, ऐसा सोच के कभी नाराज़ नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुल के जीना चाहिए, मैं ऐसा ही सोचती हूँ, मेरी सोच ही ऐसी है। ऐसे सोचने वाले सभी को बुरे लगते हैं, ये मुझे पता है, ऐसे जो सोच रखते हैं ना वो सभी के आंखों में खटते हैं और सभी को बुरे लगते हैं, ऐसा है। तो चलिए आप भी हम कहीं पे घूमने जाएंगे, तो ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाऊंगी आपको क्या कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम। तो मेरा बेटा अभी से रेडी हो गया देखो पानी भर के, तो चलिए। Thank you.
तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे आ गए हम, अब जंगल में घुस रहे हैं। मतलब यहाँ से पानी कमी है, तो देख लीजिए पूरे जंगल में आ गए हम अच्छे से। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको कितने घने 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 पेड़ हैं, और यहाँ से पानी बहुत अच्छा दिखता है। मतलब यही जब ये आई थी ना गुंडा फॉल्स, यही है वो। तो जी फ्रेंड, तभी आए थे ना गुंडा फॉल्स, यही है वो। मतलब अभी देख लीजिए कितना सारा जंगल जंगल हुआ है, ऐसे टाइम में आना चाहिए। और वहाँ पे देख लीजिए पानी कितना है। तो आज मैं पहली बार ब्लॉग कर रही हूँ दिल खोल के। तो देख लीजिए वहाँ पे पानी भी नहा रहे हैं कोई कोई, तो देखेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या करेंगे घर में बैठ के बोर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा घूमने आना चाहिए। तो सभी लोग आए हैं वहाँ पे, देख लीजिए सभी लोग आगे बढ़ के सभी आए हैं। तो आई के पापा वहाँ आते हैं, मैं यहाँ पे हूँ। तो बैग कमरा करके दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आपके लिए ही आई हूँ यहाँ पे। दिख रहा है ना वो है तुंगभद्रा डैम। तो यहाँ से देख लीजिए अच्छे से दिख रहा है, तो मैं आगे जाके दिखूंगी। अभी तो कम है फ्रेंड्स यहाँ पे पानी, तो देख लीजिए आगे। अभी बारिश का टाइम जैसा जैसा होता है ना, तो पानी वहाँ तक आ जाता है। तो अभी ये कम है पानी, तो देख लीजिए पत्थर यहाँ पे आने का भी अलाउ नहीं रहता तभी के टाइम। तो अभी देख लीजिए माशाल्लाह कितना अच्छा है। तो अभी ये सिर्फ थोड़ा सा बारिश का मौसम है, तो इतना है। तो वो वहाँ पे है अहिल के पापा की फैक्ट्री, तो देख लीजिए ये है अहिल के पापा की फैक्ट्री, जो वहाँ काम पे जाते हैं वो। ए नको नको, ए नको बेटे नको, पानी गंदा है। ए बेटे गलीज है पानी। ए बेटे नको, कपड़े भी लाए नहीं। तो देख लीजिए समंदर जैसा लगता है, मगर समंदर नहीं है, ये तुंगभद्रा डैम है। तो देख लीजिए ये वाले फूल है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देख लीजिए लहर कैसा आ रहा है, इसके सामने समंदर भी झक मारा ना। तो देख लीजिए कितना अच्छा मौसम है। तो सभी खाना वाना बांध के लेके आते हैं, देखेंगे कल हो सका तो हम भी आएंगे। तो सभी एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, आए के पापा आए, सभी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ डोनिया भाई, वहाँ से वहाँ तुम दिखे ना रास्ता, वहाँ से आ रहे। दिखाऊंगी ज्यादातर मैं। तो ये है अहिल के पापा, तो देख लीजिए कितने लहर आ रहे हैं ना। ए बेटे बहुत बड़े लहर में, जो उनको कपड़े लाना था एक जोड़ी। सब फैक्ट्रिया है जो फिर से, लेकिन ये पानी है ना इतना बड़ा पानी, लेकिन एक बात देख लीजिए यहाँ से गंदा पानी है, और आगे देख लीजिए अच्छा वाला पानी है। सभी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, हालांकि मीठा पानी है लेकिन हमें मीठा पानी नहीं आता यहाँ। तो आई वहाँ पे खेल रहा है, ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जिंदे है क्योंकि देखते घर है जिसमें है। तो देख लीजिए फ्रेंड ये पूरे है ना सीपी है, तो देख लीजिए ये सीपी, अगर जिंदे होते तो मैं लेके आती, जरूर लेके जाती। मतलब इसकी सब्जी बनाते हैं, मैं व्लॉगर बनाते हुए देखी हूँ, तो मैं ये अगर जिंदा रहते तो लेके जाके एक बार टेस्ट जरूर करती, लेकिन ये मर गए हैं पूरे। कितने रस पड़े हैं देख लीजिए यहाँ पे, मर के ही बाहर आए हैं वो। तो देख लीजिए कितने रस है। तो देख लीजिए ये है शंख, देख लीजिए वही मैं कूट के भी देखी, जिंदे है या मर गए हैं, जिंदा एक भी नहीं है सुना।
हाँ तो देख लीजिए फिश मिली है मुझे यहाँ पे मच्छी है ना क्या देंगे। और ये है पुल, कितने अच्छे हैं माशाल्लाह। मरी मच्छी हो उसने को मार डाले हो, मच्छी मरी है वो। नहीं पीते नहीं कहेगा। तो देख लीजिए मुझे छोड़ के आहिल के पापा दूर जा रहे हैं, तो हम थोड़ा अलग जगह पे आ गए, मतलब उधर ज्यादा बॉयज थे तो यहाँ पे थोड़ा खाने पीने का व्यवस्था होगा, शायद खा पी के ही जाएंगे कुछ। तो आहिल के पापा वहाँ पे ठहरे हैं तो मैं चल के आ रही हूँ। ये रास्ते में है ना गाड़ी पे बैठ के जाना बहुत डेंजर है, तो यहाँ तक पानी पड़ता है गाइस, तो ऐसा है। आपको अच्छा लगा होगा ना, तो देख लीजिए क्या करेंगे, घर में बैठ के रहने से थोड़ा घूम कर आए तो बहुत अच्छा है। तो देख लीजिए जाएंगे बस। अभी बरसात का मौसम भी हो रहा है तो देख लीजिए वहाँ पे बारिश का बादल भी हो रहा है, पर बोल सकते नहीं है बारिश आया तो भी आया, तो इसीलिए अब घर जाएंगे। हालांकि रेनकोट आहिल के लिए लेके आए हैं, हमारे लिए नहीं लेके आए। तो यही है मेरा व्लॉग, यहाँ पे फिनिश करूँगी मैं। अगर अच्छा लगा तो मेरा व्लॉग क्या करना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर।